हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि अगर कोई गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। आज अगर आपने देखा, एक गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद वापस हमें फॉल देखने को मिला। अगर आपने इंडेक्स में ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट में काफी अच्छा पैसा आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने इंडेक्स में ट्रेड किया और पैसा कमाया है। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो आप निफ्टी डेली चार्ट मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, और अगर आपको याद है मारू बोजू कैंडल का मैंने एक वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने आपको बोला भी था कि एक बड़ा कैंडल अगर आता है तो उसका हाई और लो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, करेक्ट। अगर आपने मारू बोजू कैंडल का वीडियो नहीं देखा है तो डोंट वरी, वीडियो के एंड में मैं मारू बोजू कैंडल का वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वो जरूर देख लेना। तो उसमें आपको काफी अच्छा लर्निंग मिलेगा। अब इसका हाई और लो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज अगर आप देखो, इसका फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आया है और ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसका जो हाई है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11,400 अगर ब्रेक होता है तो एक बड़ा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है, और अगर इसका लो टूटता है 11,100 तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा हमें रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकता है, पॉसिबल है थोड़ा सा साइडवेज रहे, उसके बाद हमें डायरेक्शन मूव देखने को मिले। बैंक निफ्टी में भी सेम है। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट अगर आप देखो, एक बड़ा रेड कैंडल है और उसके बाद एक छोटा इनसाइड कैंडल बनाया है। इसके नीचे फॉलो थ्रू सेलिंग बिल्कुल भी नहीं आया, आप देख सकते हो। सो अब इसका हाई लो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 22,100 एंड 21,500। मुझे लगता है थोड़ा 2-3 दिन मार्केट हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज रहे, रेंज बाउंड रहे, उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल सकता है। सो अभी थोड़ा सा व्यू साइडवेज रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा 2 से 3 दिन। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे। लास्ट वीडियो में मैंने आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल सेल दिया था 455 के नीचे। इसमें आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा क्योंकि 449 तक नीचे जाके आया है। मैंने आपको एनआईटी टेक सेल दिया था, इसमें एनआईटी टेक में सेल लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ। सीमेंस जो बाई दिया था मैंने, वो ओपन हुआ था 1240 के अराउंड, तो टारगेट के अराउंड ही अगर कोई स्टॉक ओपन होता है तो कई बार मैंने आपको बताया कि उस स्टॉक को आपको अवॉइड कर देना है। सो सीमेंस में हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि वो टारगेट के अराउंड ही ओपन हुआ था, तो गैप अप ओपनिंग में हमें वो स्टॉक को ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है। ये मैंने कई बार वीडियो में पहले भी बताया है। तो आपको लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है। अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो वो दिन वो स्टॉक को आपको अवॉइड करना है। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा एलएनटी। एलएनटी अगर आप देखो, एक अच्छे खासे रेंज में था और अब एक रेंज ब्रेकआउट दिया इसने। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसने ब्रेकआउट जरूर दिया था लेकिन एक बार रीटेस्ट किया इसने ये लेवल को, और वापस एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। सो एलएनटी काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा हीरो मोटो। हीरो मोटो भी काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करके ये ऊपर जा रहा है और एक फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है। सो हीरो मोटो काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगर आप देखो, एक बड़ा रेड कैंडल बना, एक छोटा इनसाइड कैंडल बना है, एक हॉल्ट कैंडल है। अब अगर यहाँ से हमें और फॉलो थ्रू सेलिंग देखने को मिलता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी काफी अच्छा शॉर्ट लग रहा है। अगर वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।